तो हे दोस्तों, कैसे आप लोग। आपका स्वागत है हिंदी में सीखो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ब्लर वीडियो शूट करना चाहते हैं कुछ इस तरह से, जैसे मैं शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप कुछ इस तरह से ब्लर वीडियो बनाना चाहते हैं, शूट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है। आपको DSLR लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही कमाल का ब्लर वीडियो शूट कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर पर देखेंगे तो आपको बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी ब्लर करने के लिए, लेकिन वह मतलब अच्छे से काम नहीं करती है। लेकिन अगर आप ब्लर अपना फ़ोटो करना चाहते हैं तो भाई बहुत सारे एप्लीकेशन, अच्छी अच्छी एप्लीकेशन मिल जाएगी जिसकी मदद से आप अपने फ़ोटो को ब्लर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो के लिए, ब्लर के लिए कोई एप्लीकेशन है ही नहीं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके फ़ोन में एक बहुत ही कमाल का सीक्रेट है जिसकी मदद से आप ब्लर वीडियो शूट कर सकते हैं मेरी तरह से। और हाँ, आपको ध्यान रखना है, अगर आप ब्लर वीडियो शूट करना चाहते हैं तो आपको अपने फ़ोन को एक जगह स्टैंड करके रखना है, ठीक है। अगर आप स्टैंड कर देंगे ना तो आपका फ़ोन हिलेगा नहीं और जो आपका वीडियो है बहुत ही अच्छे से शूट होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इस साइड में थोड़ा थोड़ा मतलब दिख रहा है, तो इस साइड में, ठीक है, इस साइड में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो अगर आप अपने फ़ोन को स्टैंड कर देंगे ना तो काफ़ी अच्छा, मतलब ये सब नहीं, मतलब पूरा ब्लर हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं भाई मतलब कौन सा ट्रिक है। लेकिन यार वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना, अभी आप लाइक कर दो, आप भूल जाते हो, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और आप इसको शेयर कर देना ताकि और लोग भी अगर ब्लर वीडियो शूट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से शूट कर पाएँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो इसके लिए सबसे पहले जाना है आपको प्ले स्टोर में और आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको कट करता हूँ। तो आपको जाना अपने प्ले स्टोर में, तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने प्ले स्टोर में आ गया। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है स्क्रीन रिकॉर्डर, SCREEN स्क्रीन रिकॉर्डर। जैसे आप सर्च करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं आपको AZ स्क्रीन रिकॉर्डर मिल जाएगा, ये भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। आपको मोबोजाइन मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डर, ये भी बहुत ही अच्छे से काम करता है। मतलब आपको बहुत सारी एप्लीकेशन यहाँ पे मिल जाएगी जो बहुत ही अच्छे से काम करती है, ठीक है। तो फिलहाल मैं DU स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैं DU स्क्रीन रिकॉर्डर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं रिकॉर्डिंग चालू है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने कैमरे को ओपन करना है, ठीक है। जैसे आप अपना कैमरा ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो मेरा कैमरा है ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं कि मैं नदी की साइड में आया हुआ हूं और बारिश का मौसम है अभी। आप देख सकते हैं बादल बहुत ही कमाल के हैं और यार बहुत ही गर्मी हो रही है, ठीक है। तो मैं अपना फ्रंट कैमरा ऑन कर लेता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं कि जो मेरा फ्रंट कैमरा ऑन हो चुका है और जो मेरे पीछे का बैकग्राउंड है ब्लर नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं फ़ोटो के बगल में एक पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है। तो ये जो ऑप्शन है ना, आजकल के जो मोबाइल है सारे के सारे फ़ोन में आ रहा है, ठीक है। 6000 से लेके 40000 50000 तक सारे के सारे फ़ोन में आ रहा है। तो आपको पोर्ट्रेट मोड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं बूम, मतलब कमाल हो गया यार, जो पीछे का बैकग्राउंड है ब्लर हो गया, ठीक है। अब आप अपने वीडियो को बहुत ही आसानी से शूट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो मेरे पीछे का बैकग्राउंड है ब्लर हो चुका है, वहाँ पे भैंस है, कुछ नहीं दिख रही है, ठीक है। अगर मैं फ़ोटो पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो भैंस है दिख रही है और जो मेरा मतलब वीडियो है काफ़ी ख़राब दिख रहा है। अगर मैं पोर्ट्रेट मोड पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो सारा फोकस है मेरे ऊपर है और जो पीछे का बैकग्राउंड है ब्लर हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हवा भी चल रही है, थोड़ा नॉइस आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो मतलब आप इस तरह से बहुत ही कमाल का जो ब्लर वीडियो शूट कर सकते हैं DSLR की तरह। तो और क्या यार, बस इतना ही। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और आप इसको शेयर करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।